पालन करो, पालन करो, पालन करो, राजभवन का आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। हर जुर्म के टक्कर में सरकार समारा नारा, हर जाल जुर्म के टक्कर में लगता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का ये प्रदर्शन जारी रहा। अब क्या 80 के दशक में विधिवत बहाल 129 कर्मचारियों को विश्वविद्यालय ने जांच के नाम पर कार्य से रोक दिया, और जब स्क्रूटनी कमेटी की बैठक हुई तो उसमें 129 कर्मचारियों को वैध पाया गया और सबको काम पर वापस लेने का निर्देश राज्य सरकार से, माननीय पटना उच्च न्यायालय से और राजभवन से, तीनों जगह से आया, लेकिन इस पर कोई विधि पूर्वक सम्यक कार्रवाई जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? 18-12 से हमारा धरना जारी है और आगे हम लोगों का 7 जनवरी 2020 से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, और उसके बाद भी अगर विश्वविद्यालय नहीं सुनेगा तो हम लोग यही विश्वविद्यालय परिसर में आत्मदाह करेंगे। अब तक कोई प्रतिनिधि आगे नहीं? अभी कुल सचिव महोदय आए थे, लेकिन उनका रवैया टाल मटोल वाला ही था। क्या नाम है आपका? अभिषेक पंकज, एसडी जैन कॉलेज आ रहा। इनके बाद आज आप लोग यहाँ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी छात्र संगठन मिलकर, क्या है? जेएनयू में 2 महीना से ज्यादा दिन से वहाँ फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। अब जानते हैं पहले जेएनयू का जो फी था महीना में 12-13 सौ रुपया लगता था, पूरा साल का अगर आप ले लीजिए फीस तो 12-13 हज़ार रुपया में वो वहाँ के छात्र पीएचडी इंक्लूड कर लेते थे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारी पैमाने पर अभी तक इतिहास में पहला बने हुआ है 65,000 रुपया वहाँ के फीस कर दिए। इसके खिलाफ में वहाँ महीनों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन कल रात में एबीवीपी के द्वारा एक तरह से कहिए तो वहाँ के वीसी के इशारे पर वहाँ के पूरा दिल्ली पुलिस उसमें मिली भगत है, पूरा संरक्षण दे रखी। हम लोग देख रहे थे, टीवी भी देख रहे थे, वहाँ से सूचना भी मिल रहा है, बुरी तरह से उसमें घुस करके एबीवीपी के गुंडों के द्वारा वहाँ के छात्रों को पीटा गया। उसमें 2 दर्जन से ज्यादा छात्र के द्वारा ये गुंडागर्दी, ये एबीवीपी के द्वारा, एबीवीपी के वहाँ छात्र नेता हैं, बाहर के लोग हैं, वो डीयू के और बाहर से लोग उसमें गए हैं, बल्कि वहाँ कैंपस के बहुत कम छात्र। तो ये लड़ाई दूसरे तरह का होती है, ये देखिए ये लड़ाई सीधे तौर पर ये फीस वृद्धि के खिलाफ में लड़ाई है, शिक्षा का अधिकार की लड़ाई। जिस तरह से देश के तमाम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि कर करके वो गरीब घर के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की जो कोशिश है सरकार की, इस कोशिश के खिलाफ शिक्षा के अधिकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई के साथ जेएनयू में जो हमला हुआ है, वो जेएनयू के छात्रों को जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन के साथ पूरा देश खड़ा है। हम भी यहाँ विरोध कर रहे हैं कि जेएनयू को हम लोग किसी हाल में निजीकरण होने नहीं देंगे, फीस वृद्धि के चलते वहाँ के छात्र वापस नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लोग वहाँ के वहाँ जो हमला लोग जो किए हैं उन हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करें, और तुरंत वहाँ के जो वीसी है सबसे पहले वीसी को वहाँ के बर्खास्त करें, क्योंकि वीसी का कोई अभी तक बयान नहीं आ रहा है। छात्र पीटे जा रहे हैं, ऐसी घोष जो छात्र संघ का अध्यक्ष उनके सर पट गया है, वो आपका कई छात्र 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र वो एम्स में भर्ती है। ये हमला हिंसा के जरिए आप अगर चाहिएगा कि हम आंदोलन को आवाज़ दबा दें, ये देश के नौजवान उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन, पूर्व ऐसा राज्य सचिव, अभी वर्तमान में इंकलाबी नौजवान।